अब मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी आग है, रह गई कि आपको कोई प्लेटफार्म नजर नहीं आता कि मैं किस प्लेटफार्म पे जाऊं, कौन सा काम करूं, कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं यार जीवन में, मैं क्या करूं, मैं रोते रहूं, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, यही करता रहूं। आपके मन भी यही चीज चलता है। दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में जो है ना उसको नजरअंदाज कर दीजिए और मेरी बात को बड़े ही गौर से सुनिएगा। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करें? मैं वेस्टेज के बारे में नहीं बताऊंगा आज, आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने वाला हूं और काफी ज़्यादा जरूरत है यार आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब 35, 40, 20, 25 यही एज के लोग हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं यार, कुछ बनना चाहते हैं, उनको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, 60,000 लोगों में से काफ़ी लोग स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ाई करते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो आज मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो 5 या 6 मिनट की बनेगी, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बताया है और आपके लिए भी नया होगा और मेरे लिए भी नया ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ लाइन बाई लाइन कि आपको करना क्या है और आप किस तरीके से अपने उस काम में आगे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं अगर उसमें आपको सफल नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलता है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप काफ़ी दिन से उसको कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि साला मैं इसको करके कोई सफल नहीं हो रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे पैर बंधे हुए हैं, तो आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। देखिए अगर किल है ना, किल किल वही कांटी, अगर हम कहीं उसको दीवार में ठोकते हैं ना, अगर वहाँ पे नहीं लगता है तो थोड़ा सा साइड करके ठोकी कांटी चली जाएगी अंदर। कहने का मेरा मतलब यही है कि आप आज तक जो कुछ भी करते आए हैं, अगर उससे आपको लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ये काम बेकार है, कहीं ना कहीं आपको डाउट है अपने आप पे कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, मेरा मन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप उस काम को बदल दीजिए। या तो आप उस काम को बदल दीजिए या फिर उस काम को करने का तरीके को बदल दीजिए, ये दोनों में कोई एक आज आपको चुनना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो ऐसे सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऑलरेडी सारे बिजनेस सारा कुछ मतलब ऑलरेडी हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं यार, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा एक ही लाइन में कि देखिए आज 2021 है, कंपटीशन आपको ज़्यादा लग रहा है किसी भी फील्ड में, आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता है। आप 2022 में जाएंगे, 2025 में जाएंगे, ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि लोग दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो रोजगार भी बढ़ रहा है, पैसे भी बढ़ रहे हैं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा। और आप सोच रहे होंगे कि जिस फील्ड में जो इंसान पहले आ जाता है तो वो वहाँ का राजा होता है, जो बाद में आता है वो सक्सेस नहीं पाता है, तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी देर नहीं हुई है, अभी वक्त है, अभी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा वीडियोज में, अपने आगे भी बता रहा हूं आपको करना क्या है और कैसे करना है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे एक सोच लेके चलिएगा, एक तमन्ना लेके चलिएगा कि मुझे बस सफलता चाहिए। यार कोई भी काम है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, शायद मेरी कुछ व्यूअर्स होंगे जिनको ये बकवास लगेगा और सोचेंगे ज्ञान दे रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस है, आज 3 साल का एक्सपीरियंस है, ताही मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार हार मनने से अच्छा है कि एक कदम और आगे चलो यार, एक कदम थोड़ा आगे चल के देखो यार, सच में थोड़ी दूर मंजिल और है, बस थोड़ी देर दूर और है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भी डरोगे ना, जिस काम से, जिस बिजनेस से, जिस व्यापार से आप जितना भी डरोगे वो उतना ही आपको डराएगा। लेकिन एक बार यदि आप हिम्मत कर लेते हैं कि हाँ यार जो होगा देखा जाएगा, अरे पैसा ही डूबेगा ना, मैं तो नहीं डूबूंगा, पैसा ही डूबेगा ना, पैसा फिर क्रिएट कर किया जा सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जानबूझ करके उसको इस गड्ढे में नहीं डालना है जिस गड्ढे में आप मतलब डालना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से पहले सोच समझ लो, परख लो, देख लो कि आखिर मैं जो करने जा रहा हूँ
क्या उसमें ये हो जाएगा, तो इसके बाद से क्या होगा, फिर इसके बाद से क्या होगा, पूरे गहराई तक उसको देखो। जब तक आप ये चीज नहीं देखते हो ना, तब तक मुश्किल है। और तब आप फेल हो जाते हो, तब आप हार जाते हो, तब आप सोचते हो कि अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया। लेकिन मैं आपसे बस हाथ जोड़ करके एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं उनको कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, कि नदी में यदि तैराकी आपको नहीं आती है, आपको नदी में बहाव पे चलना नहीं आता है, तो पहले आप तैराकी सीख लो, पहले स्विमिंग करना आप पहले सीख लो, उसके बाद से जाके आप छलांगे लगाना। अगर मेरी वीडियोस को देख करके या फिर किसी की भी ऐसे मोटिवेशनल स्पीच सुन करके आप जाते हो और जा करके नदी में कूद जाते हो, छलांग लगा देते हो, तो क्या आप बचोगे, डूब ही जाओगे? उससे अच्छा है यार, कोई भी कहीं से भी शुरू किया है तो सबसे पहले वो कहीं ना कहीं एक किनारे से पहले शुरू किया होगा। तैराकी सीखना, स्विमिंग सीखना, कहीं ना कहीं एक किनारे से शुरू किया होगा। आपको भी मैं बोलता हूँ कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके अंदर आग वो भूख है, तभी तो आप इस वीडियो में अभी तक देख रहे हो। आप, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भी आग है, रह गई कि आपको कोई प्लेटफार्म नजर नहीं आता कि मैं किस प्लेटफार्म पे जाऊँ, कौन सा काम करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, क्या करूँ यार जीवन में, मैं क्या करूँ, मैं रोते रहूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, यही करता रहूँ, आपके मन भी यही चीज चलता है। लेकिन सिर्फ मैं आपको एक लाइन में आपको यही कहना चाहूंगा कि पहले किसी भी काम को शुरू से करने से पहले आप पहले उस काम को सीख लो, क्योंकि जब तक आप सीखे नहीं रहेंगे तब तक आप काम कर ही नहीं पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। किसी भी फील्ड में आप जाकर देख लीजिए, कोई भी सफल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रीजन है कि वो पहले काम को सीखा है, देखा है, समझा है, परखा है, और उसका इंटरेस्ट भी है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ करते हुए देखा और उसने वो शुरू कर दिया, नहीं, बस एक ही सी सिंपल सा लाइन जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लाइन बहुत अजीब होती है। वो किसी भी काम को जब पहले शुरू करोगे ना, तो करते ही आपको बेकार लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये कैसा मैंने काम चूज कर लिया, ये तो साला बहुत बेकार काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वही बेकार धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, वही काम से प्यार हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस लोग हैं, वो लोग कहते हैं। और मैं भी आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं से सीखता हूं। इस दुनिया में कोई ना कोई किसी से न किसी से सीखता ही है। अब मुझे आप एज में बड़ा मानते हो, छोटा मानते हो, आप सोचते हो कि इसकी इतनी एज नहीं, इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन दोस्त, ये कोई नॉलेज ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ बुजुर्ग लोगों के पास होगी, नए लड़कों के पास नहीं होगी। सबके पास होता है नॉलेज, हर किसी का सोचने का समझने का तरीका अलग है, हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करता है, हर किसी कोई ना कोई के पास टैलेंट होता है, और उसको कुछ पता है कि यार मुझे क्या करना है, इसको पता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि एक लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल्स के व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, और कमेंट में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ताजमहल कहां पे है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मुझे आज कमेंट करके बताइए कि ताजमहल कहां है। कुछ रीजन है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ताजमहल कहां है। जानता तो मैं भी हूं, जानता तो आप लोग भी हैं, लेकिन आज कमेंट करके मुझे बताइए कि ताजमहल कहां है, ठीक है? और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, आपका सपना जरूर पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जानता हूं कि आप एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। बस आप जो भी करना चाहते हैं सच्चे मन से कीजिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप जरूर सफल होंगे और जरूर सफल होंगे। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज कुछ बातें आपसे मैंने किया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।